चलो खेलते हैं वाटर शॉट। इसमें हमने हर रंग के पानी को अलग तौर में डालना है ताकि ये सारे कलर अलग अलग हो जाए और हम इन्हें इस्तेमाल कर सकें अपने केमिस्ट्री वर्क में। तो ये हम सबसे पहले ग्रीन अलग करने के बारे में सोच रहे हैं। मैं बस गेम को बहुत जल्दी जल्दी खेलती हूँ क्योंकि ये बहुत स्लो के लिए जाती है तो मैं बोर हो जाती हूँ, तो मैं दो दो शीशियाँ एक ही बार में उठा के ना एक ही बार में डाल देती हूँ। तो ये हमारा ऑरेंज कम्प्लीट हो गया, ग्रीन क्योंकि फंस गया था तो सोचा पहले ऑरेंज कर लेते हैं। ऑरेंज कम्प्लीट, रेड कम्प्लीट, पर्पल कम्प्लीट हो गया, वैसे हमारा पूरा राउंड कम्प्लीट हो गया और ये राउंड हम लोग जीत चुके हैं। तो यहाँ नहीं रुकेंगे क्योंकि ये राउंड कुछ ज़्यादा ही जल्दी ख़त्म हो गया है। हम अगला राउंड खेलेंगे और देखते हैं हम कितने राउंड कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये हमारा 9th राउंड चल रहा है। हम सबसे पहले पर्पल अलग कर लेते हैं, पर्पल हमारा कंप्लीट भी हो गया। अब येलो अलग करते हैं मगर उससे पहले हमें ग्रीन को करना पड़ेगा क्योंकि येलो ग्रीन के नीचे है। तो पहले हम लोग येलो अलग थोड़ा कर लिया और ये हमारा ब्लू भी कम्प्लीट हो गया, ग्रीन भी कम्प्लीट हो गया, बट येलो अभी अलग हो गया है, फंसा हुआ था, उसको भी कम्प्लीट करते हैं। सबसे पहले हम लोग रेड अलग कर रहे हैं और ये हमारा ऑरेंज भी अलग हो गया, येलो तो हमारा वैसे ही कम्प्लीट हो गया है, तो रेड को कम्प्लीट कर चुके हैं हम ये अब। और ये हमारा ऑरेंज भी कम्प्लीट हो गया और हमारा दूसरा राउंड भी कम्प्लीट हो गया, तो हमारे 9th राउंड कम्प्लीट हो चुके हैं। अब हम खेलेंगे 10th राउंड और देखते हैं किसों की क्वेश्चन मार्क वाला राउंड है। हमें देखना पड़ेगा कि हर कलर के नीचे कौन सा कलर है, तो पहले कोशिश करते हैं सारे कलर इधर उधर कर लें ताकि हमें पता चल जाए क्वेश्चन मार्क के नीचे कौन सा कलर है। तो हमने सबसे ज़्यादा ऑरेंज अलग कर लिया है, अब ग्रीन कर लेते क्योंकि ग्रीन ऑलरेडी विजिबल था, ऊपर था, तो हमने उसको पहले अलग कर लिया। ब्लू वाला भी हमारा कुछ ना कुछ अलग हो रहा है, पर्पल निकल आया, ऑरेंज कम्प्लीट हो चुका है, अब नेवी ब्लू भी थोड़ा बहुत हो गया है बट ज़्यादा नहीं क्योंकि हमें उसका एक मिसिंग वाला ढूंढना है। तो ये हमने पर्पल थोड़ा सा अलग कर लिया, रेड वाला हम लोग पूरा कर लेते हैं क्योंकि वो हमें पूरा विजिबल हो चुका है। अब ये पर्पल भी एक रहता है जो हमें ढूंढना पड़ेगा कौन से बाल के नीचे है, ये ब्लू अलग कर लिया और ये नेवी ब्लू पे, नेवी ब्लू के नीचे पर्पल है तो वो अब कम्प्लीट हो जाएगा। ये हमारा ये वाला राउंड भी कम्प्लीट हो चुका है, हमने 10 राउंड कम्प्लीट कर लिए। अब हम खेलेंगे अपना 11th राउंड और देखते हैं कि उसमें कौन सा टास्क ये लोग हमें देते हैं। ये इसमें कोई टास्क नहीं नज़र आ रहा, ना कोई क्वेश्चन मार्क, ना कुछ, तो ईजी लग रहा है। तो ये जल्दी जल्दी हमने अलग कर लिया काफ़ी सारे। ये हमारा ग्रीन कंप्लीट हो गया और ये येलो हमने कर लिया, बट मुझे लगता है गड़बड़ कर चुके हो क्योंकि अब हमें कोई जगह दिखी नहीं रही है जहाँ हम इसको अलग कर सकें। ये हमारा नेवी भी गया और ये हो गया, हम लोग नहीं फंसे तो हम लोग बच गए। ये ऑरेंज भी अलग हो गया, रेड भी अलग हो गया, अब सिर्फ पर्पल और येलो रहता है, तो इसको जल्दी जल्दी काट लेते हैं, हमारा राउंड कम्प्लीट हो जाएगा। ये हमारा सारे अलग कलर हो गए, अब हम लोग ये राउंड भी जीत चुके हैं, हमारा 11 राउंड हो गए हैं, हमारा 12th राउंड चल रहा है। तो देखते हैं इसमें क्या करते हैं। सबसे पहले हम रेड अलग कर लेते हैं, येलो भी दो हैं तो वो दूसरे बॉल में हम लोग कर लेते हैं। ये ग्रीन हो गया और ये हम फंस चुके हैं क्योंकि हमें रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, मुझे तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। तो देखते हैं अब क्या कर सकते हैं हम, ब्लू उधर नहीं डाल सकते, इधर भी डालेंगे तो सेम जाएगा। अब इनको कहाँ करें, मैं एक काम करती हूँ, नीचे जो है ना ये वाले जो हमें एक्स्ट्रा मिलते हैं आइडिया और ये ब्ला ब्ला जो भी है इसको करके देखते हैं, क्योंकि मैं ग्रीन इधर उधर कर रही हूँ बट कुछ हो नहीं रहा। तो अब हम हेल्प लेंगे कि शायद कुछ कर सकें क्योंकि कोई भी रंग इधर उधर नहीं जा पा रहा जहाँ तक मैं देख रही हूँ। तो ये हमने हेल्प ली है, दो बार किया है बट तीसरी बार हमें पैसे देने पड़ेंगे जो हमारे पास नहीं है। तो ये आइडिया वाले पे जाते हैं, देखते हैं यहाँ क्या करते हैं। आओ ये तो अच्छी चीज़ लग रही है, पहले हम येलो निकाल लेते हैं क्योंकि येलो अगर निकल गया तो ग्रीन को जगह मिल जाएगी। और ये हमें येलो निकाल लिया, ग्रीन को जगह मिल भी गई और एक बार हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये गेम थोड़ा ईजी हो जाएगा हमारे लिए, ये नेवी ब्लू हमने निकाल लिया और येलो वाला हमारा कंप्लीट हो गया। तो ऑरेंज इधर करके नेवी हम लोग उधर डाल देते हैं और फिर ये एक बॉल खाली हो गया, इसमें ब्लू वाला भर के ना इसको अलग कर लेते हैं ताकि ये आराम से सकून से बैठ जाए। ये नेवी अब उधर करके ना आराम से रेड भी निकाल लेंगे, ये रेड हमने निकाल लिया और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा रेड वाला, और सिर्फ ऑरेंज और पर्पल बचे, वो इतना डिफिकल्ट नहीं क्योंकि हमारे पास दो बॉल फ्री पड़े हैं। तो ये हमने दोनों अलग कर लिया और ये हमारा राउंड हो चुका है कम्प्लीट और ये हमारा आखिरी राउंड है। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली दफ़ा जो गेम खेलूंगी उसमें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।